हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले मोनेरा। तो लास्ट टाइम हमने क्लासिफिकेशन किया था, जो विटेकर था उसका क्लासिफिकेशन देखा था हमने लास्ट टाइम में। तो उसके अंदर जो सबसे पहला किंगडम जो हमने लिया था वो लिया था मोनेरा, मोनेरा प्रोटिस्टा, ठीक है। उसके बाद फिर फंजाई लिया था, फिर क्या लिया था, प्लांट किंगडम लिया था, फिर एनिमल लिया था। तो उसके अंदर फर्स्ट जो आता है वो मोनेरा को हम इंट्रोडक्शन लेंगे मोनेरा का। तो मोनेरा वैसे तो काफ़ी वाइड लेक्चर आता है इस पर, लेकिन हम आज इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसके फीचर्स देखेंगे, ठीक है। तो मोनेरा जो होता है उसके अंदर जितने भी, इट इंक्लूड्स ऑल प्रोकैरियोट्स। तो मोनेरा जो है किंगडम, उसके अंदर जितने भी प्रोकैरियोट्स थे सारे के सारे मोनेरा के अंदर रख दिए गए थे, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स को आपको पता है क्या होता है, कि जिसके अंदर, प्रो का मतलब यहां पर होता है फॉल्स, और कैरियोन्स जो वर्ड है वो लिया गया है कैरियोट्स, मतलब कैरियोन्स जो वर्ड है यहाँ पे, कैरियोट्स जो है वो लिया गया है कैरियोन से, उसका मतलब होता है न्यूक्लियस। तो जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस जो होता है वो अब्सेंट होता है, फॉल्स टाइप का न्यूक्लियस होता है, और जितने भी डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो सारे के सारे एब्सेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि न्यूक्लियस के अंदर मेम्ब्रेन नहीं होगी, इसके अंदर फॉल्स टाइप का होगा। डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स का मतलब होता है माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्जी बॉडी, ये सारे के सारे इसके अंदर एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो क्या है कि जितने भी प्रोकैरियोट्स थे सारे के सारे मोनेरा के अंदर डाल दिए गए। अब मोनेरा जो है उसके अंदर इट इंक्लूड्स यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, एंड माइक्रोप्लाज्म। तो मोनेरा जो है इसके अंदर डिफरेंट टाइप की क्लासेस बना दी गई, ठीक है, या ये कहें कि डिफरेंट टाइप की ग्रुप्स बना दिए गए, ठीक है। क्योंकि ये मोनेरा जो होता है ये मोस्ट अबेंडेंट माइक्रोनियम्स का ग्रुप होता है, ठीक है। तो उसके जो मेंबर्स हैं उनको डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डाल दिए गए। अब वो जो ग्रुप्स थे वो थे यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया और माइक्रोप्लाज्मा, ठीक है। माइक्रोप्लाज्मा का नाम सुना होगा आपने, सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो होती है, ठीक है। यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, आर्की बैक्टीरिया फास्ट टाइप की बैक्टीरिया बोल सकते हैं इसको हम। तो ये क्या है, ये मोनेरा के अंदर तीन ग्रुप्स बना दिए गए। अब जो मोनेरा है उसके अंदर क्या किया गया, इसकी अगर हम बात करते हैं तो मोनेरा जो होता है वो मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म्स ऑफ लाइफ, ठीक है। जो सबसे पहले जो आए थे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो मोनेरा ही आए थे, क्योंकि मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोट्स इंक्लूड करता है, और जो प्रोकैरियोट्स है इसके बाद में यूकैरियोट्स आए थे, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस धरती पर जो आने वाले, इन अर्थ जो है इस अर्थ पे जो आने वाले जो ऑर्गेनिज्म थे वो सबसे पहले कौन आए थे, मोनेरा। तो इसलिए इसको बोला गया मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म्स ऑफ लाइफ, ठीक है। इसके बाद क्या है कि हम इसके फीचर्स लेंगे, करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे कि मोनेरा के क्या डिफरेंट टाइप के करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो करेक्टरिस्टिक्स के बारे में, तो करेक्टरिस्टिक्स जो है मोनेरा के वो लेंगे हम इसके अंदर। तो सबसे पहले करेक्टरिस्टिक्स के अंदर आता है कि इसकी जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है, किसकी बनी हुई होती है। देखो जो मोनेरा होते हैं उनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है मोस्टली के अंदर, कुछ के अंदर अब्सेंट होगी बताएंगे आपको। तो जो सेल वॉल होती है ये आपको पता है कि हार्ड होती है, ठीक है, डेड होती है, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि जो मोनेरा है उसके अंदर जो सेल वॉल है वो मेनली बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकोन की। और पेप्टिडोग्लाइकोन है जो, ये क्या होता है, ये कंपोज्ड होता है शुगर का,
प्लस अमाइनो एसिड्स का, ठीक है। तो मेन बात यह क्या है कि जो सेल वॉल है वो प्रेजेंट होती है मोनोरा के अंदर, और सेल वॉल जो होती है वो पेप्टिडोग्लाइकोन की बनी होती है। अब पेप्टिडोग्लाइकोन जो है वो सुगर और अमाइनो एसिड का बना हुआ होता है, ठीक है। अभी सुगर की बात करें तो इसके अंदर ग्लूकोज और मैनोज ये मेनली होते हैं। अगर हम अमाइनो एसिड की बात करें तो इसके अंदर अमाइनो एसिड जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, ठीक है, एलानाइन, ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। ये मोस्टली अमाइंडेंट टाइप के अमाइनो एसिड्स होते हैं, लेकिन इनके साथ साथ एक और अमाइनो एसिड होता है जिसको हम बोलते हैं लाइसिन, ठीक है। तो क्या है कि पेप्टिडोग्लाइकोन की बनी होगी, पेप्टिडोग्लाइकोन जो होता है वो किसका बना होता है, सुगर का, दूसरा अमाइनो एसिड्स का। अब जो सुगर है हमारे पास ग्लूकोज या फिर मैनोज की फॉर्म में होगी, ठीक है। अमाइनो एसिड जो है एलानाइन, ग्लूटामिक एसिड, ठीक है, और लाइसिन, ये तीन टाइप के अमाइनो एसिड जो होते हैं इनसे मिलके बनी हुई होती है। अब ये जो है मोनेरा जो है उसके अंदर कुछ मोनेरन्स जो होते हैं उसके अंदर सेल वॉल के अंदर मोस्ट एक टाइप का एसिड होता है जिसको आप बोलते हैं मुरैमिक एसिड। कुछ जो मोनेरन है उसके अंदर ये भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिसके अंदर जो सेल वॉल होती है, या कुछ मोनेरा ऐसे होते हैं जिसके अंदर जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, ठीक है। तो सेल्यूलोज की जिसके अंदर बनी होती है वो जाइमो सार्सिना एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है, क्लियर। एसिटोबैक्टर होता है। तो इसके अंदर क्या है कि जो मोनेरा है उसके अंदर जो सेल वॉल होगी सेल्यूलोज की बनी होगी। कुछ के अंदर जो सेल वॉल होती है वो अब्सेंट भी होती है, मे बी अब्सेंट। एग्जांपल है इसका माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा जो है उसके अंदर ये सेल वॉल जो है वो क्या होगी, अब्सेंट होगी। तो सेल वॉल जो है उसके बाद नेक्स्ट इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स की बात करते हैं तो वो आता है सेल मेम्ब्रेन, जिसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल सकते हो। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है इसके अंदर वो लाइपोप्रोटीन की बनी होती है नेक्स्ट टू द सेल वॉल। देर इज ऑल्सो प्रेजेंस ऑफ लिविंग वॉल दैट इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो जो सेल वॉल है उसके अंदर की साइड में, उसके इनर साइड में एक और मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो लाइपोप्रोटीनस इन नेचर होती है, लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, यानी कि लिपिड प्लस में प्रोटीन, ठीक है। अब ये जो प्रोटीन होता है इसकी वजह से ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है थोड़ी सी फ्लेक्सिबल ज्यादा होती है, ठीक है, क्लियर। अब क्या है कि इसके बीच में अगर हम बात करें कि सेल वॉल जो थी वो आउटर साइड में थी, ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, सेल मेम्ब्रेन। तो इन दोनों के बीच में एक स्पेस होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कि पेरिप्लाज्मिक स्पेस। अब ये पेरिप्लाज्मिक जो स्पेस होता है ये स्पेस प्रेजेंट होता है बिटवीन द सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। अब ये जो काम करता है वो करता है डाइजेशन ऑफ सम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। ठीक है,
तो क्या हो गया कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसके अंदर एक लाइसोसोम होता है, ठीक है, मेनली यूकैरियोट्स के अंदर दोनों के अंदर होता है लाइसोसोम्स, लेकिन कुछ के अंदर जो लाइसोसोम्स होता है वो मेन डाइजेस्टिव ऑर्गेनल्स होता है। तो इसके अंदर क्या हो गया कि ये जो स्पेस होता है पेरिप्लाज्मिक स्पेस, ये एनालॉगस होता है किसके, लाइसोसोम्स के, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उसके अंदर जो लाइसोसोम्स होता है वो मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, कि जो लाइसोसोम्स होता है वो क्या काम करता है, जो लाइसोसोम्स होता है वो काम क्या करेगा यहाँ पे, कि लाइसोसोम्स होगा वो एनालॉगस होता है, सॉरी जो ये पेरिप्लाज्मिक स्पेस होता है ये एनालॉगस होता है किसके, लाइसोसोम्स के। तो लाइसोसोम्स होता है उसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं आपको पता है, और वो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसके अंदर डाइजेशन का काम करता है। तो इसका जो पेरिप्लाज्मिक स्पेस होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है डाइजेशन ऑफ सम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है। तो क्या हो गया, इसको एनालॉगस कर दिया गया इसको किसके, लाइसोसोम्स के। इसके बाद इसके अंदर जो नेक्स्ट आता है वो आता है कि भाई ये जो मोनेरा है इसके अंदर साइटोप्लाज्म भी होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म आपको पता है कि लिक्विड होता है, ठीक है, लिक्विड या फिर मैट्रिक्स जिसको बोल सकते हो आप, इनसाइड द मोनेरा बॉडी, जो मोनेरा है उसकी जो बॉडी है, ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। तो इसकी जो बॉडी है वो सिंगल सेल है, तो उसके अंदर जो लिक्विड होगा उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अब ये जो लिक्विड होता है इसके अंदर क्या होगा, आपकी जितने भी डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेन्स होंगे, डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स जितने भी होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, अब्सेंट होंगे, ठीक है। अब्सेंट होने के बाद क्या है कि इसका जो न्यूक्लियस होगा वो लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, ठीक है। तो जो लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होगा उसको हम क्या नाम देंगे, न्यूक्लियोइड, ठीक है। तो इसका जो न्यूक्लियस होता है उसको क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियोइड देते हैं। अब जो न्यूक्लियोइड है उसके पास आपको पता है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो अब्सेंट होगी, ठीक है। दूसरा इसके अंदर जो न्यूक्लियोलस होता है, ठीक है, वो भी क्या होता है, अब्सेंट होता है, ठीक है। दूसरा इसके अंदर जो डीएनए होता है, फॉर एग्जाम्पल से कोई भी मोनेरन बॉडी है, ठीक है, तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल्स होता है उस टाइप से होता है, ठीक है, क्लियर। अभी जो जेनेटिक मटेरियल्स होता है ये क्या होता है, नेक डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, ठीक है। और आपको पता है कि जो हमने सेल कराया था तो ये बताया था कि जो डीएनए होता है वो बाइंड अप होता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, नॉन हिस्टोन प्रोटीन होगी, ठीक है। ठीक है, तो जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन होगी वो क्या होगी, जो बाइंड करके रखेगी किसको, डीएनए को, और ये फाल्स टाइप का होता है, डीएनए जो होता है वो फाल्स टाइप का होता है इसके अंदर, ठीक है, क्लियर। अब क्या होता है कि नॉन हिस्टोन प्रोटीन की बात करें तो पॉलीअमाइंस होती है ये, ठीक है। इसके अंदर जो हिस्टोन प्रोटीन होती है वो कौन सी होती है, पॉलीअमाइंस, ठीक है, जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है। यूकैरियोट्स के अंदर तो हिस्टोन प्रोटीन पढ़ा था हमने, लेकिन प्रोकैरियोट्स जो है ये मोनेरा इसके अंदर नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसके बाद क्या है कि जो राइबोसोम्स होता है इसके अंदर वो 70S का होता है, ठीक है। आपको पता है कि जो राइबोसोम्स होता है वो एक प्रोटीन फैक्ट्री होता है, ठीक है,
प्रोटीन फैक्ट्री जो है राइबोसोम्स वो 70S होता है, यूकेरियोट्स के अंदर 80S होता है लेकिन इसके अंदर 70S होता है। ठीक है, हम आपको सेल का जो हमने चैप्टर कराया था उसके अंदर बताया था कि राइबोसोम जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक 70S होता है, 80S होता है। तो 70S जो होता है वो प्रोकैरियोट्स के अंदर होता है और मोनेरा जो है सारे प्रोकैरियोट्स के अंदर लिए गए हैं, प्रोकैरियोट्स हैं सारे मोनेरा वाले। तो इसको क्या है कि इसके अंदर जो राइबोसोम होगा वो किस टाइप का होगा, 70S का होता है। अब इसके अंदर क्या होता है, एक स्पेसिफिक चीज होती है, ठीक है, उसको बताने से पहले इसका एक और फीचर देख लेते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट आता है इसके अंदर मूवमेंट, तो मूवमेंट्स की बात करते हैं तो जो मोनेरा होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, बहुत मोटाइल और नॉन मोटाइल। ठीक है, तो मोटाइल तो वो होता है जो क्या कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है, और ये क्या होता है, नॉन मूवमेंट। ठीक है, तो ये जो मोटाइल होता है ये दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं स्विमिंग टाइप के, ठीक है, स्विमिंग टाइप के जो होते हैं उनके अंदर फ्लैजिला होता है। अभी फ्लैजिला जो होता है इसके साथ साथ कुछ के अंदर सीलिया भी होता है। ठीक है, जैसे ये कोई भी मोनेरा है तो इसके जो एक बड़ा सा होता है जो इसका मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है उसका हम बोलते हैं फ्लैजिला, और इसकी बॉडी पे अगर हेयर लाइक स्मॉल स्ट्रक्चर होती है इस टाइप से तो उसको हम बोलते हैं सीलिया। ठीक है, तो सीलिया जो होता है वो भी स्विमिंग कराने में हेल्प करता है, फ्लैजिला होता है। दूसरा क्या होता है कि इसके अंदर ग्लाइडिंग टाइप का मूवमेंट होता है। ग्लाइडिंग टाइप का मूवमेंट का मतलब क्या है कि भी ये जो मोनेरा होते हैं, ठीक है, अगर आप इसके एग्जांपल की बात करें तो जितने भी यूकैरियोट्स हैं, सॉरी यू बैक्टीरिया हैं, वो सारे के सारे इसी के अंदर हैं। ठीक है, क्लियर है। अब जो ग्लाइडिंग टाइप के हैं तो ग्लाइडिंग टाइप का जो मोशन है या लोकोमोशन है या मूवमेंट है ग्लाइडिंग टाइप का, तो उसमें क्या होता है कि ये जो मोनेरा है ये म्यूसिलेज सब्सटेंस होता है, मतलब ये कहें कि हल्का सा लुब्रिकेंट होता है, तो उसके अंदर उसको सिक्रीट करते हैं ये, और उसके अंदर फिर मूवमेंट करता है ये वाला जो होता है मोनेरा, और इसके अंदर फ्लैजिला जो होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। फ्लैजिला जो होता है वो प्रेजेंट होता है लेकिन सीलिया जो होता है वो अब्सेंट होता है। ठीक है, अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो माइक्सोबैक्टीरिया होता है जो ग्लाइडिंग टाइप का जो लोकोमोशन है वो शो करता है। ठीक है, तो स्विमिंग टाइप के अंदर तो क्या होगा कि वो स्विम करेगा। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला एंड सीलिया। ग्लाइडिंग टाइप जो है उसके अंदर क्या है कि वो जो मोनेरा होगा वो क्या करेगा, म्यूसिलेज सब्सटेंस रिलीज करेगा, हल्का सा लुब्रिकेंट सा, और उसके अंदर स्विम करेगा। इसके अंदर फ्लैजिला तो होता है लेकिन सीलिया अब्सेंट होता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि इसके अंदर जो रेस्पिरेशन होता है, तो इसके अंदर जो रेस्पिरेशन होता है तो सबके अंदर अगर हम बात करें यूकैरियोट्स की, यूकैरियोट्स जो है उसके अंदर तो रेस्पिरेशन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है मोस्टली के अंदर, लेकिन ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो इसके अंदर अब्सेंट होता है मोनेरा के अंदर। जब ये मोनेरा के अंदर अब्सेंट होता है तो इसकी जगह जो इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो मॉडिफाइड हो जाती है, और मॉडिफाइड होने के बाद एक ऑर्गेनेल्स बनाती है जिसको बोलते हैं मीजोसोम्स। ठीक है, मीजोसोम्स क्या होता है, इसके अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है या सेल मेम्ब्रेन जो होती है मोनेरा की वो क्या हो जाती है, अंदर की साइड में इनफोल्ड हो जाती है, ये इसकी
ये तो क्या है इसकी सेल वॉल, और ये क्या है इसकी सेल मेम्ब्रेन। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो अंदर की साइड में क्या हो गई है, इनफोल्ड हो गई है। इसको हम बोलते हैं मीजोसोम्स। मीजोसोम्स जो होता है उसके अंदर क्या होता है, रेस्पायरेशन होता है, ठीक है। तो अपनी जो एनर्जी बनाता है ये इस रेस्पायरेशन की वजह से बनाता है, और रेस्पायरेशन होता है मीजोसोम्स के अंदर, ठीक है। तो कोई पूछे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर जो रेस्पायरेशन का काम है वो कौन करता है, तो आंसर आएगा मीजोसोम्स, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, अगर इसके रिप्रोडक्शन की बात करते हैं हम, तो रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन जो होता है इसके अंदर, किसके अंदर, मोनेरा के अंदर। तो रिप्रोडक्शन जो होता है वो किसके अंदर होता है कि इसके अंदर जो एसेक्सुअल टाइप का जो मेथड्स होता है, एसेक्सुअल मेथड्स जो होते हैं, ठीक है, फ्यूजन वगैरह, जैसे बाइनरी फ्यूजन हो गया, ठीक है, बाइनरी फ्यूजन के अलावा इसके अंदर स्पोरुलेशन होता है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के जो मेथड्स होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली होता है मोनेरा के अंदर, लेकिन ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये जो होता है ये मोस्टली कहें कि भी सभी के अंदर यही होता है, लेकिन कुछ के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नोटिस किया गया है। लेकिन ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो इसका होता है वो थोड़ा सा अलग टाइप का होता है, ठीक है, जैसे रिकॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के होता है इसका, कंजुगेशन हो गया। तो नॉर्मली जो ह्यूमंस के अंदर या अदर ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है उस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर नहीं होता है, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल जो होता है उसका ट्रांसफर होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो इसका ज्यादा डेवलप्ड नहीं होता, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो ज्यादा करता है ये, ठीक है, क्लियर है। स्पोर्स भी बनाता है, ये अनफेवरेबल कंडीशंस होती है उसके अंदर, ठीक है। तो दूसरा क्या होता है कि जो रिप्रोडक्शन होता है इसके अंदर, या फिर ये कहें कि सेल डिवीजन जो होता है इसके अंदर, तो सेल डिवीजन के अंदर इसके अंदर जो एमाइटोटिक टाइप जो होती है, एमाइटोटिक टाइप का ही रिप्रोडक्शन इसके अंदर देखने को मिलता है, डिवीजन जो होता है सेल का, ठीक है। दूसरा, इसके अंदर जो स्पिंडल फाइबर जो है वो फॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है। नॉर्मली सेल के अंदर स्पिंडल फाइबर्स बताए थे हमने, वो इसके अंदर नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर ये माइटोटिक टाइप है, ये माइटोटिक है, सिंपल जो टाइप ऑफ डिवीजन है वो इसके अंदर होता है, ठीक है। एक चीज इसके अंदर हमने छोड़ दी, वो बताते हैं कि जो नॉन मोटाइल होता है, इसको उसके अंदर नोट कर लेना, वो माइकोप्लाज्मा जो होता है वो नॉन मोटाइल होता है, ठीक है। तो ये था ओवरऑल इंट्रोडक्शन मोनेरा के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम यू बैक्टीरिया पढ़ेंगे पूरा कंप्लीट, नीट एंड क्लीन आएगा। थैंक्स फॉर टुडे।